अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस स्पेशल पुलिस फोर्स 490 के रिटर्न टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी रेंज का कौन सा टेस्ट सेंटर लगा है और कितने लड़के पास हुए हैं, कितने लड़कों को कॉल की जाएगी रिटर्न की, उसके अलावा जो है टोटल सीटें कितनी हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊँगा। वीडियो को आप लोगों ने कम्प्लीट देखना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ, एक नोटिफिकेशन है जो कि BTS की तरफ से है, ये आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है जो कि पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस BTS की तरफ से, यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है रिटर्न टेस्ट शेड्यूल फॉर जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पुलिस कॉन्स्टेबल एंड लेडी पुलिस कॉन्स्टेबल BPS 5 इन स्पेशल पुलिस फोर्स थ्रू BTS सिंध पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो सिंध पुलिस डिपार्टमेंट स्पेशल पुलिस फोर्स 490 कॉन्स्टेबल और लेडी कॉन्स्टेबल का जो है रिटर्न टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपके कौन सी रेंज का कौन सा सेंटर लगा है, तो आपने बिल्कुल गौर से देखना है। यहाँ पर सबसे पहले जो रेंज आ रही है वो कराची रेंज है। कराची रेंज का जो टेस्ट सेंटर लगा है वो गार्डन हेडक्वार्टर पुलिस लगा है, पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन लगा है। आपकी जो डेट आई है कराची रेंज वालों की 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख। अब PTS की वेबसाइट पर जब आपकी स्लिप्स अपलोड होंगी, आपको मैसेज आना शुरू होंगे, तो उसमें जो है आपकी डेट मेंशन होगी, आपका टाइम मेंशन होगा और आपका कौन से दिन टेस्ट है वो भी मेंशन होगा। अभी जस्ट आपको एक बता दिया गया है कि 22 तारीख से जो है आप लोगों के टेस्ट शुरू हो रहे हैं। उसके बाद जो है कराची रेंज वालों की शिफ्ट की बात की जाए तो 3 शिफ्टें लगेंगी, सुबह 8 बजे की, उसके बाद 11:30 बजे की और दोपहर 2:30 बजे की शिफ्ट होगी। तो कराची रेंज में जो है स्पेशल पुलिस फोर्स 490 में जो है मेल कैंडिडेट जो कि पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए अप्लाई जिन्होंने किया था, 7189 लड़के पास हुए हैं, जबकि फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने लेडी पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए अप्लाई किया था, 890 फीमेल कैंडिडेट पास हुई हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पर हैदराबाद, मीरपुर खास और नवाबशाह की बात करें। हैदराबाद का जो है टेस्ट सेंटर जो टेस्ट सेंटर जहाँ पर लगा है वो है फुटबॉल ग्राउंड पुलिस हेडक्वार्टर अपोजिट कायदे आज़म कॉम्प्लेक्स CMH रोड हैदराबाद। यहाँ पर जो है हैदराबाद और मीरपुर खास वालों का जो है यहाँ पर वही डेट और वही टाइम है, 22 तारीख से आपके टेस्ट शुरू हैं। आपकी डेट कोई भी आ सकती है, 22, 23, 24, इन तीनों में से कोई भी आपकी डेट आ सकती है। आपकी भी शिफ्टें वही हैं, सुबह 8 बजे की, 11 बजे, 11:30 बजे की और उसके बाद 2:30 बजे की शिफ्ट है। तो हैदराबाद में जो है लड़के 2746 लड़के पास हुए हैं, जबकि फीमेल कैंडिडेट 484 पास हुई हैं। उसके बाद मीरपुर खास में जो है 1419 लड़के पास हुए हैं और फीमेल कैंडिडेट जो है 154 पास हुई हैं। उसके बाद नवाबशाह में जो है 2219 लड़के पास हुए हैं, जबकि 176 जो है वो फीमेल कैंडिडेट पास हुई हैं। उसके बाद नीचे जो है सखर और लड़काना वालों के जो टेस्ट सेंटर लगा है वो फुटबॉल ग्राउंड गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज शिकारपुर रोड का सखर। तो आपका भी जो टेस्ट की डेट है वो है 22, 23, 24, आपकी कोई भी डेट आ सकती है इन तीनों में से, तीनों दिन में से। तो अभी स्लिप जब आपकी अपलोड होगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा। सखर में जो है 4791 लड़के पास हुए हैं, जबकि फीमेल कैंडिडेट 170 पास हुई हैं। और लड़काना में जो है 4686 लड़के पास हुए हैं और फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो 115 पास हुई हैं। टोटल बात की जाए तो स्पेशल पुलिस फोर्स टोटल जो है कैंडिडेट पास हुए हैं पुलिस कॉन्स्टेबल वाले 23040 लड़के पास हुए हैं, जबकि 1979 लड़कियां पास हुई हैं। तो अब जो है मैं आपको बताता हूँ आपकी टोटल सीटें कितनी थी जिन अभी जो एडवर्टाइज़ आया था इसका। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाते चलूँ, यहाँ पर सारे डिस्ट्रिक्ट का जो है लिखा हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितने लड़के पास हुए हैं। सखर 443, कोटकी 1612, खैरपुर 2336, लड़काना 1412, इसी तरह तमाम डिस्ट्रिक्ट का लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है कराची का भी लिखा हुआ है, ईस्ट से जो है 1023 लड़के पास हुए हैं, साउथ से 1117 लड़के पास हुए हैं, जबकि वेस्ट से 2409 लड़के पास हुए हैं, सेंट्रल 705, मलीर 1272, कोरंगी 516, केमाड़ी 111, सिटी डिस्ट्रिक्ट साउथ 26 लड़के पास हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ इसमें टोटल सीटें कितनी थी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले ये जो एडवर्टाइज़ था जब जॉब्स आई थी तो इसमें जो है सिंध पुलिस स्पेशल पुलिस फोर्स की जो टोटल सीटें हैं 2821 सीटें हैं, इनको 2821 लड़के चाहिए हैं, जबकि फीमेल कैंडिडेट की जो है 149 सीटें हैं, 149 कैंडिडेट चाहिए हैं इनको फीमेल। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ से सबसे पहले देखें तो कराची साउथ के जो है इनको 171 लड़के चाहिए। तो यहाँ पर कितने लड़के पास हैं कराची साउथ से हम देखते हैं, यहाँ पर साउथ से जो है 1117 लड़के पास हैं, जबकि इन्हें जो है 171 लड़के चाहिए हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो दूसरा है वो है डिस्ट्रिक्ट सिटी कराची, यहाँ पर भी 171 चाहिए और डिस्ट्रिक्ट सिटी कराची के यहाँ पर 26 लड़के पास हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिटी सेंट्रल कराची, सेंट्रल कराची के यहाँ पर कितने लड़के पास हैं, सेंट्रल कराची के 705 लड़के पास हैं, जबकि 171 सीटें हैं इनको चाहिए। उसके बाद जो है सेंट्रल के मलीर के जो है 1272 लड़के पास हैं, 171 सीटें इनको चाहिए। तो यानी कि अगर अभी जो है आपके पास चांस अच्छा है, क्योंकि रिटर्न टेस्ट में जो है काफ़ी कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे,
कोई मतलब बड़ा फिगर नहीं है, बहुत जो है आसानी से आप लोग इसमें स्पेशल पुलिस फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि जो है अभी 1000-1200 ऐसे लड़के टेस्ट देंगे जिसमें से काफ़ी कैंडिडेट जो है वो रिटर्न टेस्ट में रह जाते हैं। तो आपके पास एक अच्छा बेनिफिट, एक अच्छा चांस है कि आप जो है स्पेशल पुलिस फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप अपने रिटर्न टेस्ट पर थोड़ा सा तवज्जो दें, थोड़ी सी मेहनत करें, तो आप जो है आसानी से अपने स्पेशल पुलिस फोर्स 490 का जो है हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत कम लड़के पास हुए हैं। यहाँ जो तमाम रिटर्न टेस्ट होगा उसके तमाम पेपर और जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको इसी चैनल पर बताता रहूँगा। चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, साथ में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबा रहे तो आपको वीडियो की अपडेट नहीं मिलेगी। बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। ये थी आज की वीडियो। इसके अलावा कोई अपडेट मिलती है स्लिप के हवाले से या कोई भी इशू के हवाले से तो मैं आपको इसी चैनल पर बता दूंगा। चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।